हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और हम और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर रखे हुए होंगे। तो हम पढ़ रहे थे रीजनिंग, और रीजनिंग में हमारा टॉपिक चल रहा था नंबर सीरीज़। तो नंबर सीरीज़ में जैसा कि हमारे कुछ आकृति वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वो कंप्लीट नहीं हुए थे, बाकी हमने नंबर सीरीज़ में और जो टॉपिक्स थे हमारे नंबर सीरीज़ मिसिंग नंबर वगैरह उसमें, तो वो हमने पूरी सीरीज़ कंप्लीट कर ली थी। अब हमारा लास्ट टाइप बचा हुआ है फिगर, फिगर सीरीज़ आकृति वाली। तो उसके कुछ क्वेश्चन है तो हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं, जिसमें हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आओ हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो देखो अब इसमें कि क्या आना चाहिए यहाँ पे। तो जैसे कि हमें पहले में दिख रहे हैं कि 1 2 3 3 डॉट्स है इसमें, 1 2 3 4 5 6 6 डॉट्स है, और इसमें 9 डॉट्स है। लेकिन हमें ऐसा कि जिसमें 12 डॉट्स हो ऐसा तो हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा। पर हम इसको एक तरीके से देखें तो ये हमें जो हमारा रोमन संख्या होती है, रोमन नंबर्स, उस टाइप में 1 को हम इसी प्रकार लिखते हैं, 2 को हम इसी प्रकार लिखते हैं, और 3 को हम इसी प्रकार लिखते हैं। तो अगर इस पैटर्न से हम ढूंढते हैं तो यहाँ इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ऐसी भी हमारे पास रोमन में कोई नंबर नहीं होता, और इस टाइप से भी रोमन में हमारे पास कोई नंबर नहीं होता। लेकिन ये जो हमारा है ये 4 है। तो जब 1 2 3 और ये 4, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे नेक्स्ट करते हैं हम। अब अगला क्वेश्चन ये हमारा, इसमें आप देखो कि कैसे इसका आंसर क्या हो सकता है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि इसमें ये बना हुआ है, दो एरो के निशान बने हुए हैं। तो पहले ही यहाँ से फर्स्ट में यहाँ से अपवर्ड मूव करते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ घूमते हैं। मतलब है यहाँ से फर्स्ट में 90 डिग्री घूमते हैं अपन, अपने ये 90 डिग्री टर्न करते हैं, और फिर हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ जस्ट उल्टा हो जाता है, यानी यहाँ से यहाँ पे 180 डिग्री टर्न कर रहे हैं। और फिर यहाँ से हम इसमें देखते हैं तो ये 90 डिग्री टर्न कर रहा है। तो इसी तरह से हम देखेंगे जब 90 हो गया, फिर उसके बाद 180 हो गया, फिर 90। तो 90 से हम आगे चलेंगे तो क्या आएगा हमारा, कितने डिग्री टर्न करेगा ये हमारा करेगा 180 डिग्री टर्न। तो जैसे ही हमारा 180 डिग्री टर्न करेगा तो ये है हमारा क्या बन जाएगा, कि जैसे कि ये है तो 180 टर्न करते हैं मतलब पूरा उल्टा घूम जाएगा ये। तो इसको उल्टा घुमाते हैं तो ये उल्टा घुमाने पे हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ऐसा आपको कौन से ऑप्शन में नजर आ रहा है? तो देखो कि ये हमारा पहला ही ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ये हमें फर्स्ट ऑप्शन में मिल गया। आओ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो आप कि इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में देखोगे आप कि एक ये फिगर दिया हुआ है जिसके अंदर एक ट्रायंगल बना हुआ है, उसके ऊपर एक सर्किल बना हुआ है। तो इसमें आप देखोगे कि जो ये सर्किल था वो यहाँ पे नीचे आ गया, और जो ट्रायंगल था ये उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया ट्रायंगल। इसी प्रकार से अब इसमें देखते हैं, यानी कि यहाँ से अपना पूरा यूँ मान लो कि 180 डिग्री टर्न हो गया यहाँ से, और फिर ये क्लॉकवाइज में अपना 90 डिग्री टर्न हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक आया। तो इसी तरह से हम इसमें आगे चलेंगे, जब 180 था पहला, दूसरा 90 है, तो जो हमारी थर्ड टर्म क्या होगी वो भी हमारी होगी 180 डिग्री, 180 डिग्री पर टर्न करेगी हमारी। तो अगर हम इसको बनाते हैं ये हमारी 180 डिग्री पर टर्न करेगी, तो हमारी ये 180 डिग्री पर टर्न करेगी तो जो हमारा ये सर्किल है वो तो इधर आ जाएगा, और जो ट्रायंगल का फेस उधर है वो ट्रायंगल का फेस रिवर्स होके इधर आ जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा
इस टाइप से कुछ पैटर्न बन जाएगा है। तो इस टाइप का पैटर्न हमारा कहाँ पे मैच करते हैं वो, तो ये ऑप्शन नंबर डी तो हमारा नहीं है, सी भी नहीं है, ये हमारा बी भी नहीं है, और ये हमारा ऑप्शन नंबर ए। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन। अब इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसके बीच में एक डायगोनल ड्रॉ किया हुआ है। ऐसे ही ये स्क्वायर है, लेकिन स्क्वायर में एक डायगोनली आधा पार्ट इसका जो है फिल किया हुआ है और आधा पार्ट जो है ब्लैंक छोड़ा हुआ है। इसी तरह से हमारा जो है सर्किल है, इसमें भी दो पार्ट बनाए हुए हैं, लेकिन जो इसकी ये डायमीटर है यहाँ से दो पार्ट बनाए हुए हैं, लेकिन इसके दोनों ही पार्ट खाली। तो जैसा कि हम पहले क्वेश्चन में देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में, कि इसमें दोनों पार्ट खाली है और इसमें एक पार्ट फिल किया हुआ है। तो इसी तरह से हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो इसमें जैसे दोनों पार्ट हमारे खाली है, तो इसके जो अगले यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे जो हमारा फिगर आएगा वो ना चाहिए कि इसका जो ऊपर वाला पार्ट है, मतलब एक पार्ट ऊपर वाला, जैसे कि इसमें यहाँ पे अपर पार्ट फिल किया हुआ है ब्लैक कलर से, तो इसी तरीके से हमारा यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है वो फिल होना चाहिए। तो ये इस तरह का हमें पैटर्न काम दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसमें तो स्क्वायर है, तो ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी में सर्कल में डायमीटर है ही नहीं, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। तो सी में जो है हमारा नीचे वाला पार्ट फिल किया हुआ है, तो सी वाला होगा नहीं हमारा, और बचा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर है, इसका ऊपर वाला पार्ट भी फिल किया हुआ है और ये सर्कल भी है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन है अपना। अब इसमें देखो कि किस तरीके से ये मूव कर रहा है। तो पहले हमारा ये न्यू था एरो, पहले वाले में, फर्स्ट डायग्राम में, दूसरे डायग्राम में हमारा एरो ऊपर की ओर हो गया 90 डिग्री पे, और थर्ड डायग्राम जो है हमारा उसमें हमारा एरो इस तरह हो गया 90 डिग्री। तो जो हमारा फोर्थ डायग्राम है उसमें हमारा एरो किस साइड होना चाहिए, नीचे की ओर, तो ये हमारा हो गया नीचे की ओर। तो देखो पहले इन दो में ए में नीचे की ओर है, बी में नीचे की ओर है, सी में ऊपर की ओर है, ये होगा ही नहीं, डी में साइड में है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो सर्किल है इनका कैसे मोशन है। पहले सर्किल फर्स्ट वाले में था, यानी कि पहले तो ये इस वाले में था, फर्स्ट में, सेकंड में ये इसमें आ गया, और ये बिल्कुल ही फिल हुआ हुआ आ गया, ये हो गया हमारा सेकंड। और थर्ड में तो जो ये हमारा इधर आ गया, और ये ब्लैंक आ गया थर्ड में, मतलब ये खाली आ गया हमारा पूरा। तो फोर्थ में हमारा किस साइड जाना चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि बचा हमारा एक ही, तो फोर्थ में इसी में जाएगा। और जब फर्स्ट में खाली था, सेकंड में भरा हुआ था, थर्ड में फिर खाली था, तो फोर्थ में क्या आएगा हमारा, ये आएगा भरा हुआ सर्किल, इसको फिल किया हुआ आएगा। तो जो फिल किया हुआ है सर्किल और फोर्थ में आना चाहिए, तो वो हमारा सर्किल दोनों में, लेकिन इसमें फिल किया हुआ है और इसमें खाली है, तो हमारा ये तो ऑप्शन होगा नहीं, हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन है अपना, अच्छा क्वेश्चन है, आओ चलो करते हैं इसको। अब इसमें देखो आप लोग कि दो सर्कल्स दिए हुए हैं, फिर अगले में जो अपना है स्क्वायर दिया हुआ है ऊपर, इसमें दो स्क्वायर दिए हुए हैं, ऊपर सर्किल दिया हुआ है, और जो अगला है इसमें दो ट्रायंगल दिए हुए हैं और ऊपर सर्किल दिया हुआ है। तो इसका अपन कनेक्शन ढूंढते हैं कि इनके बीच में क्या कनेक्शन है। तो आप एक गौर करो कि जो यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है वो यहाँ पे अपने डबल स्क्वायर ड्रॉ किए हुए हैं,
डबल स्क्वायर अपने ड्रॉ किए हुए हैं। और जो यहाँ पे जो अपने डबल सर्कल्स थे, मतलब जो दो वृत्त थे अपने ड्रॉ किए हुए थे, बनाए हुए थे, वो सर्किल वृत्त अपना यहाँ पे आ रहा है ऊपर की ओर। तो इसी तरह से हम देखेंगे कि इसमें क्या होना चाहिए। तो इसमें आप लोगों को पता होगा, पता लग रहा होगा यहाँ से कि जो दो सर्किल थे इसमें, वो इसमें ऊपर आ रहा था। यानी कि जो दो ट्राइंगल बने हुए हैं, ड्रॉ किए हुए हैं, ये ट्राइंगल अपना जाना चाहिए इस कोने पे। यानी कि ट्राइंगल अपना कहाँ आना चाहिए, यहाँ पे इस कोने पे आना चाहिए अपना ये ट्राइंगल। आ गया। तो ये ट्राइंगल इसमें भी, इसमें भी, सी कैंसिल कर दो, डी कैंसिल कर दो, क्योंकि इन दोनों में ट्राइंगल ऊपर की ओर कहीं नहीं है। ठीक है, हो गया। और जो यहाँ पे सर्किल था वो आना चाहिए अपना यहाँ पे। लेकिन जब यहाँ पे एक स्क्वायर था सिंगल, तो यहाँ पे डबल में हो गया, तो ये जो सर्किल है ना, यहाँ पे भी डबल में हो जाएगा। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो डबल सर्किल है, इसमें सिंगल सर्किल है, ये खत्म। बचा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से चलो इन आकृतियों में, तो कोई नहीं कि दो दो अपने को ऑप्शन दिए हुए हैं, वरना आप जैसे कि किसी एक की फिगर को पकड़ के भी ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो टाइम बचाने के लिए। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आओ नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला। तो इसमें क्या दे रखा है हमें कि जो दो स्क्वायर है हमारे, वो एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रहे हैं, एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रहे हैं। लेकिन जब हम अगली आकृति में देखते हैं, अगले फिगर में देखते हैं इसको, तो ये स्क्वायर इसके अंदर ड्रॉ किए हुए हैं, मतलब एक स्क्वायर के अंदर एक स्क्वायर इनर में ड्रॉ किया हुआ है। अब इसमें देखते हैं कि इसमें भी हमारा यहाँ पे जो दो सर्किल्स हैं वापस में क्रॉस किए हुए हैं। तो इसका भी फिर ये है कि हमारा अंदर की साइड ही होना चाहिए। जब अगर यहाँ पे हमारा क्रॉस कर रहा था, जब यहाँ पे हमारा क्रॉस कर रहा था, और फिर जो हमारे दो थे ये अंदर की ओर थे, तो फिर ये हमारा अंदर की ओर ही होना चाहिए। तो अंदर की ओर हम बनाते हैं इसको, तो ये हो जाएगा हमारा ये वाला, और इसके बाहर ये एक और लेयर हो जाएगी इस सर्किल की। तो ये कौन सा ऑप्शन है हमारा? ये ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए। आओ नेक्स्ट करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो कि इसमें क्या हो रहा है। इसमें पहले मैं आप फर्स्ट डायग्राम में आपको दिया हुआ है कि जो सर्किल है, जो ट्राइंगल है अपना, उसके अंदर एक सर्किल ड्रॉ किया हुआ है। इसी तरह से हम दूसरे में देखते हैं कि सर्किल के अंदर ट्राइंगल ड्रॉ किया हुआ है अपना। मतलब यानी कि यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कुछ कुछ कि जो अपना जो बाहर वाला सरफेस था ट्राइंगल, वो तो अगली आकृति में किया हुआ है, अगले फिगर में अंदर, और जो हमारा अंदर वाला जो ये सर्किल था वो बाहर किया हुआ है। इस तरह से कुछ हमें दिखाई दे रहा है। तो हम इसमें भी सेम वही ट्रिक्स लगाते हैं कि जो हमारा अंदर वाला है पंचभुज, इसको पंचभुज बोलते हैं, फाइव साइड से मिलकर बना होता है। तो ये जो हमारा पॉलीगन है, पंचभुज है, इसको हम बाहर की तरह ड्रॉ करते हैं। और इसके अंदर जो स्क्वायर हमारा बाहर था, उसको हम अंदर की तरफ ड्रॉ करते हैं जी। तो हमारा जो आंसर है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से होगा, तो यहाँ तो दोनों ही स्क्वायर हैं, ये तो होगा ही नहीं। यहाँ पे पॉलीगन है, पॉलीगन के अंदर सर्किल ड्रॉ किया हुआ है, ये भी नहीं होगा। यहाँ सर्किल है, ये क्या है ना, गलती से मैच हो गया है बनाते समय। तो सर्किल के अंदर स्क्वायर है, तो ये भी नहीं होगा हमारा। और ये आपको पता है कि ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा सेम मैच कर रहा है, यानी कि आंसर कौन सा है हमारा? ऑप्शन नंबर ए। आओ नेक्स्ट करते हैं।
ये वाला। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि हमें एक सी जैसा कुछ फिगर दिया हुआ है, सी जैसी आकृति दी हुई है। तो इसमें यहाँ पे हमें सी दिया हुआ है, उसके ऊपर एक बार है। फिर अगले में जब ये आता है तो ये जो है क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम जाता है, टर्न कर लेता है, और जो इसके आगे का बार है वो हट जाता है। और फिर जब हम इससे आगे आते हैं तो ये जो हमारी फिगर है सी, ये कहीं भी मूव नहीं करता है, कहीं भी किसी भी साइड नहीं घूमता है, और इसके आगे एक बार आ जाता है। मतलब यानी कि आपने समझा कि पहले आकृति थी उसके ऊपर बार था, फिर जब वो 90 डिग्री टर्न किया और उसके आगे से बार हट गया, फिर उसने कोई मूवमेंट नहीं करी, मतलब वो किस साइड भी टर्न नहीं किया उसने, और उसके आगे बार आ गया। तो मतलब जो हमारा ये आंसर होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि ये हमारा क्वेश्चन से दिया हुआ है, तो आंसर में हमारा ये होना चाहिए कि ये 90 डिग्री टर्न करेगा। और ये हमारा 90 डिग्री टर्न करेगा, तो हमारा 90 डिग्री टर्न करने के लिए हमारा नीचे की ओर जाएगा, और जो यहाँ पे बार था ये बार यहाँ पे नहीं आएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन से में मैच हो रहा है ये? तो हमारा ऑप्शन हो रहा है ये ऑप्शन नंबर सी में मैच। समझ में तो आ रहा है ना भाई आप लोगों को? बताते रहना। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये है हमारा अगला क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा। इसमें क्या है, दो फिगर दिए हुए हमारे, दो आकृतियाँ दी हुई है, फिर जो उसका कनेक्शन अगली के साथ है उसमें हमारी तीन आकृतियाँ हैं, यानी तीन फिगर हैं। तो देखो कि इसको हम किस तरह से करते हैं और थोड़ा जल्दी कैसे करते हैं। हमें पता है कि ये यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर यहाँ पे बाहर बना हुआ है, ठीक है, और हमारा ये यहाँ पे क्या है, ट्राइंगल है, ट्राइंगल स्क्वायर के जस्ट अंदर बना हुआ है। तो इसी का लॉजिक इसी के साथ होगा, तो इसी का हम इसके साथ बना लेते हैं कि जो हमारी नीचे वाले स्क्वायर थी आकृति वो सबसे बाहर थी, तो हमारा जो ये पंचभुज है पॉलीगन है ये हमारा कहाँ होगा, सबसे बाहर होगा, ये हमारा सबसे बाहर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद उसके अंदर क्या होगा हमारा, उसके अंदर होगा हमारा स्क्वायर। तो ये दो तो समझ में आई आपको, ये दो किस तरह से हो रही है। तो पहले इनके हिसाब से एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम पहले के हिसाब से चलेंगे तो आपको ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, ये पॉलीगन है बाहर, लेकिन ये सिक्स साइड्स वाला है, हेक्सागन है ये, यानी कि ये षटभुज है, तो ये वैसे बाहर हो जाएगा। ये स्क्वायर है बाहर इसमें, तो ये वैसे भी बाहर हो जाएगा, इसमें भी बाहर स्क्वायर है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा अपना ऑप्शन, बचा ऑप्शन नंबर बी। तो आंसर तो इसका ऑप्शन नंबर बी ही है, पर देख लेते हैं इसको थोड़ा और कि ये जो अंदर इसका फिगर आया हुआ है, ड्रॉ किया हुआ है ये आकृति, इसका इस हिसाब से क्या है। तो आप इसमें देखो कि इसमें चार साइड्स हैं और इसमें अपनी तीन साइड है। तो अब ये देखो कि पहले चार, फिर तीन, और फिर ये पांच, मतलब जो इसके जस्ट अंदर है वो है एक साइड कम, और जो इसके भी अंदर है वो है इस वाले से एक साइड ज्यादा। तो अब हम इसमें ड्रॉ करेंगे तो इसकी हमारी क्या होगी, पांच, और इसकी हमारी कितनी होगी साइड, चार। तो ये तो इससे एक कम हो गया, लेकिन अब जो हमारा अंदर फिगर आएगा वो आना चाहिए इससे +1, यानी कि छह साइड वाला हेक्सागन, सिक्स साइड्स। तो हम इसको ड्रॉ करेंगे इसमें तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। मेरी ड्राइंग क्या है थोड़ी ज़्यादा ही अच्छी है, तो उस पर मत जाना। तो ये हमारा हेक्सागन हो जाएगा इसमें, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया था कि इसको हम दो फिगर जो है हमारे उनको ड्रॉ करके ही बना सकते हैं इसका आंसर। ये है ऑप्शन एलिमिनेशन का मेथड जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज जो थे हमारे क्वेश्चन वो यहीं तक थे, और ये आपकी नंबर सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। अब हम कल से जो है नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक होगा जो हमारा, वो आपके सबके लिए सरप्राइज है कि हम कौन सा टॉपिक उठाते हैं कल, कौन से टॉपिक शुरुआत करते हैं। आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी,
ओके दोस्तों, ठीक है।